The highest in the world, one of the highest philanthropy in the world. तो वो भी कौन कर रहा है? एदी साहब का ही बहुत बड़ी उनकी खिदमत है, मतलब वो दूसरा एदी सदियों में पैदा होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि एदी साहब ने कभी गवर्नमेंट से फंड नहीं लिया, इंटरनेशनल एजेंसियों से फंड नहीं लिया, मना करते थे। तो उनका बिलियन प्लस का एनुअल बजट था, कौन देता था? पाकिस्तानी ना। एक तरफ तो वो एक पाकिस्तानी जो खुदकुश कर रहा है और शहर में गोलियां मार के रोज 15 बंदे शहीद कर रहा है, लेकिन एक तरफ वो पाकिस्तानी भी है जो सिर्फ बिलियन प्लस ईदी को दे रहा है, इसी तरह चीपा को दे रहा है, सेनानी को दे रहा है। TCF की आज 100 स्कूलें चल रही हैं, शायद लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ फ्री पढ़ रहे हैं, 1000 स्कूल चल रही हैं और उसमें मेरा ख्याल 1 लाख से ज्यादा का एनरोलमेंट है, 2.5 लाख का। कौन दे रहा है मुझे बताइए, फंड कौन दे रहा है? इसी शहर के लोग दे रहे हैं ना। इंटस हॉस्पिटल में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ही नहीं है, देयर इज नो बिलिंग, जो आया टोटल फ्री इलाज हो रहा है। ऐसे और कई छोटे छोटे लोग मुख्तलिफ इदारे खोल के बैठे हुए हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ये चीजें हैं जो हमें बचा रही है। तो एक पाकिस्तान का मेरा कहने का हर मकसद ये नहीं था कि सब चीज नेगेटिव है और हम हर चीज बुराई है, बुराई का एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क में, लेकिन एक पॉजिटिव रोल भी इस मुल्क में इसी शहरियों का है जो इतना बड़ा है जो इस नेगेटिव के ऊपर सुपरसीड कर रहा है, हम सर्वाइव कर रहे हैं और हम आगे जाएंगे। आज के स्टूडेंट का जोश देख के ये लगता है कि नौजवान जो हैं उनमें हिम्मत है, तो इस मुल्क को इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। आज का एक मैं आपसे एक पैगाम देना चाहूँगा। देखिए, हम सबको कहते हैं वो बुरा, सबसे ज़्यादा बुरा है, और इसका चेंज कैसे आएगा? एक वक्त तो ज़रूर है, जो मेरा ये अपना बिल्कुल पर्सनली डिमांड है कि कोई एक ना एक लीडर इस मुल्क में ज़रूर आएगा। आज आता है, कल आता है, ये अल्लाह जानता है, जो इसको बिल्कुल ऐसे लेवल पे ले जाएगा कि जो हम सोच नहीं सकते, जो इसका मकाम है, जो इस मुल्क जिस मकाम के लिए बना है और जिस मकसद के लिए बना है, उस पर ले जाने का वो वक्त तो आना है, ये हमारा ईमान है इसमें, मतलब आई हैव जीरो डाउट। लेकिन इसको चेंज करने के लिए ये जश्न वो पॉइंट ऑफ टर्निंग होना चाहिए। जश्न हम क्या करते हैं, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, हमने गा तो दिया, उसके बाद हमने कहा मैं भी झूठ बोलूंगा, तू भी झूठ बोल, मैं भी फ्रॉड करूंगा, तू भी फ्रॉड कर, ये हम निकलने के बाद यही करते हैं, एग्जैक्टली ये करते हैं। तो अगर हम इस दिन को अगर हम ये कहेंगे यार आज कोई मकसद हासिल करना है इस दिन का, तो ये गाने गा के और तकरीरें करके और छोला बयानी करके निकल के बाहर वही करना है, तो मैं समझता हूँ इसका पर्पस अचीव नहीं होगा। ये करना लाजमी है, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ, अंडरमाइन मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसका पर्पस अचीव होना चाहिए। और उसका पर्पस ये है कि हम कहें कि स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, मुझे ठीक होना है तो मुझसे फिर पूरा निज़ाम ठीक होगा। एटलीस्ट एक आज मुझसे वायदा करके जितने यहाँ बैठे हों, एक काम आज से छोड़ सकते, आप डिफरेंस देखिए अपनी लाइफ में, सिर्फ एक चीज छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे। मैं आपसे कहूँ कितनी भी है मुश्किल में, आप क्लास में आए और अपने असाइनमेंट नहीं किया, आप हैव दैट करेज टू से सर मैंने नहीं किया, बिलीव मी यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम, मगर आप उस एक झूठ को बोलने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए, आप कभी खुद भी सोचिए आप उसके लिए 10 झूठ बोलते हैं जस्ट टू सेव दैट कि वो आपने झूठ नहीं बोला। तो एटलीस्ट हम आज के प्रोग्राम को या आज के दिन को या जश्न आज़ादी को, शुक्रिया पाकिस्तान का मतलब, शुक्रिया पाकिस्तान क्या, बहुत शुक्रिया, हमने शुक्रिया कर दिया, हमने उसका स्लोगन कर दिया और उसके बाद हम चले गए। शुक्रिया पाकिस्तान का अगर हम कहते हैं कि हमने आज उसको अचीव करना है, तो शुक्रिया पाकिस्तान का ये कि आज एक चीज़ है करने सारे, क्योंकि आज के बाद हमने झूठ नहीं बोलना, एक चीज़ तो हम कर लें, और आप यकीन करें यू विल फाइंड अ डिफरेंस इन योर लाइफ। डू इट जस्ट फॉर 3 मंथ, आप एक क्वार्टर का तो एक क्वार्टर किसी पागल के कहने को करके देख लीजिए कि ये वाकई हमें इफेक्ट करता है, हमें कोई चीज इम्प्रूवमेंट आती है, हमारी लाइफ में कोई चेंज आता है, और वो चीज ऐसे फैलेगी कि आप बिलीव नहीं कर सकते। ये वायदा है आज का,
बहुत बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू।